a South Asian Canadian channel. जेड़ी पार्टी देश की आजादी तो पहला अंग्रेजों नाल मिलके चलती रही है, जेड़ी भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के रूप च देश की आजादी की लड़ाई के समय जदों सरदार भगत सिंह वर्गे सूरवीर देश लई कुरबानियां दे रहे सी, उदों भी ये लोग अंग्रेजां नाल संधियां करके अंग्रेजां तो फायदे लैके देश नाल गद्दारी कमा रहे सी। उसे परंपरा नूं उसे ही नीयत नूं अज जिहड़ा जनसंघ दा सुधरिया रूप कह लो भारतीय जनता पार्टी या नवा रूप वो परंपरा नूं जारी रख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक सरकार ने जिस तरीके नाल दसवीं क्लास की एक किताब चों शहीद आजम देश लई 23 साल की उम्र च कुरबानी देने वाले करोड़ों नौजवानों की प्रेरणा का स्रोत सरदार भगत सिंह दे बारे जड़ा एक लैसन सी, एक चैप्टर सी, उन्हूं खत्म करके बलीराम हेडगेवर जड़ा आरएसएस दे संस्थापक सी, ओही आरएसएस भाजपा जिहड़ी अंग्रेजां नाल संधि करके चलदी सी और उहदी जगह सरदार भगत सिंह जी की जगह हेडगेवर साहब नूं दे रहे आ। इन्हां दे आइकन उह आ भारतीय जनता पार्टी अज जदों देश च काबिज है तो इहो जिहे लोकां नूं देश दा आइकन बनाउण दी साजिश कर रही है, जिहड़े देश दी आजादी दे समय देश दी आजादी दी लड़ाई दे टाइम देश नाल गद्दारी कर रहे सी, अंग्रेजां नाल मिल के चलदे आ रहे सी। इस तरीके नाल इन्हां ने पिछले दिनों च वी आपां देखिआ है कई सालां तक संविधान दे रचयिता देश दे विद्वान भारत सरकार च मंत्री भी रह चुके बड़े सत्कारित बाबा साहब अंबेडकर साहब नूं भी भारतीय जनता पार्टी ने कदी अपना लीडर नहीं मन्या। आखिर भारतीय जनता पार्टी नूं देश दे शहीदां तों इन्नी नफरत क्यों है? आखिर भारतीय जनता पार्टी देश लई कुर्बान होण वाले सरदार भगत सिंह वर्गे शहीदां दी थां ते उह लोकां नूं देश दा आइकन क्यों बना रही आ, थोप रही आ जिहड़े देश नाल गद्दारी करते रहे, अंग्रेजां नाल मिलते रहे? ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है और मैनूं बड़े अफसोस नाल कहना पै रहा कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके नाल सरदार भगत सिंह जी की किताब चों उन्हां दे बारे पूरा लैसन खत्म करके चैप्टर नूं खत्म करके अपने एक संगठन के लीडर नूं उत्थे थां दित्ती आ, इत्थों ही इन्हां दी मानसिकता देश के शहीदां दे प्रति इन्हां दा सत्कार पता लग जांदा है। भारतीय जनता पार्टी की इस करतूत नूं लैके सारे देश च रोष है और इन्हां नूं मजबूर करांगे असीं आने वाले टाइम च कि सरदार भगत सिंह वर्गे शहीद जिन्हां ने अपनियां जवानियां इस मुल्क लई मुल्क दियां आने वाली जिहड़ियां साडियां पीढ़ियां उन्हां वास्ते कुरबान करतियां वो हमेशा इस देश के आइकन सत्कारित रहणगे और उन्हां दा जिहड़ा इतिहास है उन्हां तो प्रेरणा लैके देश हमेशा अगे वधदा रहेगा। तुहाडा कोई सवाल है तो कर सकते हो। अज मुख्यमंत्री होरां दी किसानां नाल इक मीटिंग सी, टाइम भी दिता गया पर इस तो बाद मीटिंग हो नहीं सकी, उसके की कारण रहे और किसानां दे नाल हुण की तुहानूं लगदा कि किदां मतलब तुहाडा? देखो पंजाब की जिहड़ी सरकार बनी है उहदे च किसान नौजवान व्यापारी कर्मचारी सारयां दा योगदान, किसान जत्थेबंदियों का भी बहुत वड्डा योगदान, ये सारयां दी सरकार है। और पिछले दिनों च वी असीं देखिया है मुख्यमंत्री जी ने माणयोग मान साहब ने जदों जदों भी किसान जत्थेबंदियों ने कोई मंग रखी मिलन की गल की
किसानी वाल तवज्जो देने की गल की या आने वाले टाइम च किसानी नू पंजाब दी नू किस तरीके नाल पैरां सिर खड़े करना है उहदे वास्ते हमेशा सुहिरदता नाल उहनां नाल गलबात की। आने वाले टाइम च भी किसान जथेबंदियां दी जिहड़ी जायज़ मंगां होणगियां मान साहब की सरकार जरूर संजीदगी नाल उहनां दा हल करेगी उन्होंने एड्रैस कर। नहीं मैनूं लगदा वो कारण तो उ किसान जथेबंदी दसणगे पर सरकार दे पार्ट ते गलबात लई और कम्यूनीकेशन लई कदे भी नापक्खी रवैया नहीं रहेगा। आने वाले टाइम च भी जदों भी इहो जी कोई गल होगी जिथे पंजाब की गल है जिथे पंजाब की किसानी नूं बचाउण की गल है पंजाब सरकार पॉजिटिवली उहनूं जिहड़ा एड्रैस कर। A South Asian Canadian channel.